हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, जो कि पेज नंबर 63 पर है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड द एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 18 एंड 48। तो एससीएफ हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इनके फैक्टर निकालेंगे 18 के, दो से काटेंगे सबसे छोटा नंबर, दो ने 18, कितने कटेगा, 3 3 9, 3 1 3। फिर 48 का हम निकालेंगे, 48 का हो जाएगा 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसके फैक्टर लिख लेंगे। 18 के फैक्टर क्या हैं हमारे? 2 × 3 × 3। एंड 48 के फैक्टर हमारे क्या आए हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो एससीएफ हमारा क्या हो जाएगा? एससीएफ हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें भी आना चाहिए 2, इसमें भी 2 आ रहा है, अब इसमें 3 आ रहा है, तो क्या इसमें 3 आ रहा है? यस। अब 3 इसमें नहीं आ रहा है और 2 इसमें नहीं आ रहा है, तो एससीएफ इसका क्या हो गया? एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है और एक ये 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 × 3। बस अब एससीएफ की हम इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो एससीएफ हमारा क्या आ जाएगा? 6, राइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। अब 30 के हम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 1 2, 2 5 10, फिर 3 5 15, 5 1 5, एंड 42 के हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 4, 2 1 2, फिर 3 7 21, 7 1 7। तो अभी हम यहाँ पे फैक्टर्स लिख देंगे। 30 के फैक्टर हमारे क्या आए हैं? 2 × 3 × 5, ये हमने निकाले। अब हम 42 के लिखेंगे, 42 के हमने क्या निकाले हैं? 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7। तो एससीएफ हम लिखेंगे इसका, एससीएफ क्या होता है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में होना चाहिए, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो 2 × 3, तो एससीएफ हमारा हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो गया 2 3 6। तो इसका अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 18, 60। तो 18 के फैक्टर हम निकालेंगे, 2 ने 18, दो ने 18, 3 3 9, 3 1 3। अब 60 के हम लोग निकालेंगे, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। तो 18 के हमारे फैक्टर क्या आ गए? 2 × 3 × 3, एंड 60 के फैक्टर हमारे आ गए 2 × 3 × 2 × 2 × 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होता है? जो इसमें भी आए और इसमें भी आए, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 2 × 3। तो एससीएफ हमारा हो जाता है 6। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसका 27, 63। तो 27 को हम सॉल्व करेंगे, तो 3 ने 27, 3 3 9, 3 1 3, और 63 को हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, फिर 7 1 7। तो 27 के फैक्टर हो गए हमारे 3 × 3 × 3, एंड 63 के फैक्टर हो गए हमारे 3 × 3 × 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो हमारा दोनों में आए, 3 इसमें भी आ रहा है, 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 तो 3 × 3। तो एससीएफ हमारा हो गया 9, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे ई पार्ट 36। 36 को हम 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 ने 18, 3 3 9, 3 1 3। फिर 84 के हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, फिर ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 1 7।
तो 36 के हमारे फैक्टर हो गए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, एंड 84 के हमारे फैक्टर हो गए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। तो SCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। तो हम इन नंबर्स को लिख देंगे, 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो SCF हमारा हो जाता है इन सब की मल्टीप्लाई। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी 2 दूनी 4 3 12। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है 34 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 2 एकम 2 2 7 14, तो 17 एकम 17। अब 102 के हम निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 7 21 17 एकम 17। तो 34 के हमारे फैक्टर आ गए 2 क्रॉस 17, एंड 102 के फैक्टर आ गए हमारे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 17 2 क्रॉस 3 क्रॉस 17। तो HCF हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 17 इसमें भी आ रहा है, और 17 इसमें भी आ रहा है। तो इन दोनों, ये 2 लिख लेंगे हम और ये 17 लिख लेंगे, और SCF के लिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 17 दूनी 34। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे 70 105 एंड 175। तो 70 के फैक्टर हम लोग निकालेंगे, 2 3 6 2 5 10, एंड 5 7 35 7 1 7। और 105 का हम निकालेंगे, तो 5 2 10 5 1 5 3 7 21 7 1 7। 175 का हम लोग निकालेंगे, तो ये 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 3 15 5 5 25, फिर 5 7 35 7 1 7। तो 70 के फैक्टर हमने क्या निकाले हैं, 257 लिखेंगे, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, एंड 105 के फैक्टर हमने निकाले हैं 5 क्रॉस 3 क्रॉस 7, एंड 175 के फैक्टर हमने निकाले हैं 5 क्रॉस 5 क्रॉस 7। अब हम देखेंगे हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 7 7 7। तो SCF हमारा हो जाता है 5 क्रॉस 7। तो SCF हो जाएगा हमारा 35। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 91 112 एंड 49। तो 91 के फैक्टर निकालेंगे हम, तो 91 कटेगा हमारा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 7 1 7 7 21, तो 13 एकम 13 13 भी एक प्राइम नंबर है। 112 को हम करेंगे, 2 5 10 2 6 12, 2 2 4 2 8 16, 2 1 2 2 4 8, 2 7 14 7 1 7। ऐसे ही हम 49 को करेंगे, तो 7 7 49 7 1 7। तो यहाँ पे हम सबके फैक्टर लिख लेंगे, 91 का फैक्टर क्या हो गया, 7 क्रॉस 13, एंड 112 का फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7, एंड 49 का फैक्टर आ गया हमारा 7 क्रॉस 7। तो SCF हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 7 हमारा इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, 1 7 हमारा इसमें भी आ रहा है, तो 1 तो हमारा हो गया 7, एंड नेक्स्ट हमारा और इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो SCF हमारा हो गया इसमें 7, राइट। अब आई पार्ट हम इसका देखेंगे, आई पार्ट है हमारा 18 54 एंड 81। तो 18 के फैक्टर हम करेंगे, तो 2 नेम 18, 3 3 9 3 1 3। ऐसे ही हम 54 के करेंगे, तो 2 2 4 2 7 14, 3 नेम 27 3 3 9 3 1 3। 81 का करेंगे, तो 81 हमारा कटेगा, 3 2 6 3 7 21, 3 नेम 27 3 3 9 और 3 1 3।
तो अब हम इन फैक्टर्स को यहाँ पर हम लिख लेंगे। 18 के फैक्टर हमारे क्या आए, 2 क्रॉस 3 और 54 के हमारे फैक्टर क्या आए हैं, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 बार 3। एंड 81 के हमने फैक्टर क्या निकाले हैं यहाँ पे, 3 3 क्रॉस 3, यानी कि 4 बार 3, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो SCF हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 हमारा नहीं आ रहा है, 3 हमारा एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और 1 3 इसमें, 1 3 इसमें, 1 3 इसमें, तो 1 3 क्रॉस 3। तो SCF हमारा हो जाएगा इन तीन नंबर का 9। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। और लास्ट पार्ट हम देखते हैं इसका, जे पार्ट, 12 45 एंड 75। तो 12 को हम करेंगे 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, और 45 को हम करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 ने 45, 3 3 9, 3 1 3। ऐसे ही हम 75 का करेंगे, 75 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट नंबर 5 है। तो 5 1 5 5 25, 5 3 15, 3 1 3। तो 12 के हमारे फैक्टर आ गए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, एंड 45 के हमारे फैक्टर आ गए हमारे 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3। एंड 75 के हमारे फैक्टर क्या आ गए, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3। तो SCF हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 इसमें आ रहा है, इसमें कहीं नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है इसमें, 3 इसमें भी आ रहा है, और 3 इसमें भी आ रहा है। तो हमारा SCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।